आज हो रही है जी बारिश, फुल मज़ेदार मौसम हो रखा है। एक्चुअली गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी और मिट्टी की खुशबू आ रही है इतनी ज़्यादा अच्छी ना। हेलो हेलो, आज थोड़ा अंधेरा हो गया यार। एक्चुअली बादल हो रखे हैं बाहर, सो पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है। अब तो ठीक है। हेलो जी, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो गाइज, शाम के हो गए 6:30 और बारिश हो रही है फुल ऑन। मतलब ठंडा सा हो गया वेदर, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वैसे तो फ्लैट में इतनी गर्मी नहीं है, ठंडी थी, मतलब ठंडा ही फ्लैट है, पर बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और मैं बाहर निकली नहीं हूँ तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है। बट अभी बहुत ही प्लेजेंट सा वेदर वर्क है। और अभी गए हुए हैं अपना मार्केट में, अपना मोबाइल ठीक करवाने। उनके मोबाइल में कुछ लाइन्स ही आ गई हैं जब से उन्होंने सैमसंग का अपडेट मारा है, तो वो अभी आई थिंक रिप्लेस करेंगे या स्क्रीन नहीं लगाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो वो आगे बताएंगे कि क्या सॉल्यूशन निकला है उसका। और रिसेंटली मतलब 6-8 महीने पहले ही बाय किया था मोबाइल, तो अब तो अपडेट से भी डर लग रहा है। इवन एप्पल में भी अपडेट आ रखी है, मैंने नहीं की अभी तक उसको अपडेट, अभी ने कर लिया अपना एप्पल भी अपडेट। और उसकी जो बैटरी बैकअप है वो बहुत जल्दी ड्रेन होने लग गई है, मैंने अभी तक अपडेट नहीं मारी है। और अगर नहीं मारूंगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो हैंग होने लग जाएगा, तो समझ नहीं आ रहा कि मारूं या नहीं मारूं। बस अभी थोड़ी देर में करूंगी डिनर, 6:30 हुए हैं, 8 बजे तक मैं अपना डिनर कर लेती हूँ। और फिर बेबी को भी अभी फीड करवाना है, वो अभी सो रही है आराम से, अभी आएंगे तब फिर उसको फीड कराएंगे, क्योंकि मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। मैं कह रहा ड्राई फ्रूट सारी कड़ी कौन खा सकता है, तो हेल्दी बट फील तो कड़ी आ रही दे रही है, कड़ी दे विच मखाने भी पाए पया, मखाने और ड्राई फ्रूट्स है। हां उन्होंने तो फिर पक्का बंद या पट्टी बन के खा ला तू हैं और क्या। ओ माय गॉड, वो बंदा जब चमचा भरेगा सोचेगा कड़ी है, मुंह च जाएगा तो ड्राई फ्रूट्स होंगे, फिर मुंह ही खराब होना। तो तू थोड़े तक नहीं खाता, पेस्ट बना दिया, थोड़ा टेस्ट तो कर, क्या पता इतना स्वाद लगे तू चख दे। शक्कर डाली है शायद, है ना, मम्मी को बहुत ठंडे ठंडे। वेयर आर यू गोइंग? We are going for some alone time. It's been so long that we haven't gone outside. Okay. ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਮੈਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ ਖਾਊਗੀ ਪੀਊਗੀ। Next morning. So ji ye dekho baby ke sare kapde यहाँ पर मम्मी ने ऑलरेडी धो के डाले हुए हैं। यूजुअली मम्मी हमारे उठने से पहले ही इसके जितने भी गंदे कपड़े होते हैं सारे धो के डाल देती हैं और हमारे उठने तक ये सूख जाते हैं। तो ये है मम्मी का रूटीन मॉर्निंग का कि हमेशा उठ के उन्होंने सबसे पहले बेबी के कपड़े धोने हैं और फिर बाकी काम करने हैं। छोटे उठा तो पहला मैं उठ के मशीन भी ला रही हूं कपड़े धोने, बेबी दे हाथ नाल धोने ना, वो तो हाथ नाल धोने तो दूजे मशीन से सड़ता नहीं सारे। अच्छा, रोज छोटे पै पे सारे काम हो जाते हैं। वही तो है, मैं कहता हूं काम मिल गया ना एक। हां वही तो नवा सवेरे परमात्मा ने ना सुखा सुख के देता। यस, वो भी टाइम बहुत सा आया। करके क्या कह रहे थे तुम कल? बारिश? हां हां जब टीवी सीरियल में आता था बिजली कड़कती थी कुछ ऐसा होता था, ऐसे कहावत ऐसे बोलते हैं, कहावतें तो बहुत सारी है। बहुत स्टिमुल नहीं तो ले रही है, ओदी लाइन रही टर्न हो जाओ पूरा ले लो, ये तो फेस दिख खा नहीं दिख रहा। सो अगेन गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर द चेक। यस। सो यहाँ पर गाइज हम लोग फिर से जा रहे हैं हॉस्पिटल बेबी को दिखाने के लिए, क्योंकि 2 दिन बाद हमें फिर से बुलाया था जॉन्डिस चेक करने के लिए बेबी का। तो आज हम फिर जा रहे हैं और लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि अभी जो जॉन्डिस है वो एकदम कम हो गया होगा। और वेदर भी बहुत अच्छा हुआ है, कल भी आप लोगों ने देखा कि बारिश हो रही थी और आज भी पूरा क्लाउडी क्लाउडी सा वेदर हो रखा है और ट्रैफिक भी नहीं हमको बिल्कुल भी मिला।
और बेबी भी फीड खिला के उन्होंने सो रखा है आराम से। तो अभी हॉस्पिटल पहुंच के आपको सारी अपडेट देंगे कि क्या अपडेट है। सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो अभी बेबी को लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर पहुंच के अपॉइंटमेंट ली थी, घर पे नहीं ली थी। और अभी फ़िलहाल वेटिंग लिस्ट पे हैं, हमसे पहले 3-4 और बेबीज़ हैं जिनका भी फ़िलहाल यू नो रूटीन चेकअप हो रहा है। तो अभी थक गए थे तो मैंने अभी को बोला कि लाओ मुझे बेबी दे दो, मैं थोड़ा टाइम इसको यू नो अपने पास रख लेती हूँ, क्योंकि वो बीच बीच में रोने भी लग जाती थी। और ये जो हॉस्पिटल है ना, ये सिर्फ बेबीज़ का हॉस्पिटल है, जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। और हम हॉस्पिटल से आ गए हैं वापस, और मैंने अभी को भेजा है कुछ फ्रूट्स लेने के लिए, क्योंकि मुझे मेरी डाइट में डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि पपीता खाने के लिए, ताकि और कुछ और फ्रूट्स ऐड किए थे डॉक्टर ने, तो अभी बस वही ले रहे हैं। क्योंकि हम घर पहुंच ही गए थे, बाद में मुझे एकदम से याद आया कि घर पर फ्रूट्स नहीं है, तो फ्रूट्स लेने हैं। तो फ्रूट्स लेके हम लोग जाएंगे अब घर में, और फिर आपको घर पर देते हैं बेबी की क्या अपडेट है। न्यू फादर दी कंडीशन, स्कूल ही आता नहीं आगे चीन है, बस ताई चाके दे हुंदे सी। हाउ इज द जोश, मोड़े मेरे बाजू मोड़े च फस जाने स्कूल बॉय। माय बैग शुरुआत है, सोचो जब अपन फ्लाइट्स वगैरह कैच करा करेंगे। नहीं जाएगा। की लेके आओगे? क्यों नहीं जाया करूंगा। तेरी बीब, मेरा बीब। गाइस हम हॉस्पिटल से आ गए हैं, और क्या हुआ वो आपको आराम से बैठ के समझाते हैं, लंबी चौड़ी कहानी है। ओ चौपन 14 कुछ होया, वो कहंदे मशीन ते 14 है, वैसे 12 होगा, थोड़ा जिहा तां वधदा ही है, बट उन्हें पहले अज जे 18-19 तो उत्ते हुंदा फिर दाखिल करने पड़ते। सो गाइस वी आर बैक, वापस आ गए थे हॉस्पिटल से, थोड़ा थक गए क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही प्रॉपरली, और भाग दौड़ हो रही है। भाग दौड़ मतलब घर में होते हैं तो बेबी की भाग दौड़, बाहर होते हैं तो घर वाली भाग दौड़ और बाहर वाली भाग दौड़, दोनों मिक्स हो जाती है। और अभी को तो ये भी नहीं पता चलता कि आज दिन कौन सा है, पता ही नहीं चला। तो ऐसा है कि अपडेट अभी अच्छा है, टचवुड, कि आज दिखा के आए हैं बेबी को, और जो जॉन्डिस लेवल आया है वो आया है 14। तो 14 में से 2 या 3 पॉइंट माइनस कर दो। एक्चुअली जब डिस्चार्ज हुए थे तो 11 था, 11 तो बोला ही था कि 2-3 पॉइंट बढ़ेंगे। हाँ नहीं, वो जो मशीन जिस मशीन में चेक हुआ ना उसमें 2-3 पॉइंट ज्यादा आते हैं, वो बिना प्रिक की होती है, उसमें 2 पॉइंट मिनिमम ज्यादा आते ही हैं। तो 14 पॉइंट कुछ था, मतलब ऑलमोस्ट 15 था, तो उसमें से 2 निकाल दो तो 12 या 13 है इसका, विच इज़ ठीक रेंज है ना। तो इसके बाद से अभी कम होना शुरू हो जाएगा एज पर दी डॉक्टर्स, कि इसके बाद से जो जॉन्डिस है 1-2 दिन के अंदर अंदर वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, 7 डे या 10 डे के बाद कम हो जाता है। हाँ तो ये पीक थी, और वो पीक पे भी वो अंडर कंट्रोल ही रहा, क्योंकि शुरू में तो थेरेपी हुई थी इसकी जब 22 हो गया था, पर ये जो डे था ये पीक का डे था, तो यहाँ पे काफ़ी बढ़ना चाहिए था अगर कोई इशू होता तो, पर उतना नहीं बढ़ा, लिमिट में ही है अभी भी, 20 से नीचे ही है, 20 से बहुत नीचे है, मतलब 15 से भी नीचे है। सो इट्स अ गुड नंबर, एंड यहाँ के बाद डॉक्टर बोल रहे कि स्लोली अब ये डिक्रीज होना चालू होगा, ये पीक था इसका, अब इसका डिक्लाइन चालू होगा। तो लेट्स सी हाउ इट गोज, कि शुक्र है भगवान का कि दोबारा कोई ब्लड नहीं लिया उन्होंने। मुझे तो डर यही था कि मेन ब्लड, और ब्लड में चक्कर क्या है, जैसे लास्ट टाइम भी इसके 3-3, 4-4 बार सुइयां लगी हैं, अभी भी हाथ नहीं थे, अभी भी हाथ ब्लू है। रीज़न ये है कि बेबी का जो ब्लड होता है ना बहुत थिक होता है, हमारा बेबी का जो हीमोग्लोबिन होता है दैट इज़ पार 18-19-20, ठीक है ना, तो बहुत गाढ़ा होता है, गाढ़ा ब्लड होता है इनका, तो उसको निकालना इज़ अ टास्क, और वो मतलब उसमें कई बार नर्सेज एंड डॉक्टर्स को बहुत मुशक्कत करनी पड़ जाती है।
तो करके ज्यादा बार पहले तो जिन नर्व्स नहीं मिले ना, देखा नहीं कितना प्रिक हुआ। हाँ हाँ हाँ, उन्हें नहीं, वो नर्व्स तो मिल गई होगी, निकला नहीं होगा ना, पंप ही नहीं हुआ होगा, भारी इतना होता है ना जो बेबी का ब्लड होता है वो इतना गाढ़ा होता है, वो निकला खिंचा ही नहीं होगा, दोनों हाथ इसके नीले हो रखे हैं। हाँ, पर आज जो टेस्ट किया वो उन्होंने सेंसर वाला किया, तो सेंसर वाले में सच कोई ऐसा होता नहीं, बस दो तीन पॉइंट ऊपर नीचे आ जाते हैं। बट उन्होंने ये भी कहा था कि आज चांस थे दोबारा रियल। हाँ, हम कहते हमें वो था कि आज दोबारा से ना करना पड़े, पर टचवुड जो लेवल्स हैं वो अंडर कंट्रोल है, और अभी जोड़े दी और अभी से सब डाउन जाएगा। और शार का ही बता दो, हमने डॉक्टर से पूछा ना शार के लिए भी, कैसे शार देना है शार, तो क्या है आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि शार के लिए आप पैरों से स्टार्ट करो, है ना, सर पे मत डालो। बट जब जो हमारी डॉक्टर से आज बात हुई है वो ये हुई है कि जब इतना छोटा बेबी इन्फेंट होता है तो मेन जो चीज़ होती है कि उसके सर को सबसे पहले ड्राई करना है, पानी आप कहाँ डाल रहे हो कहाँ नहीं डाल रहे हो उससे इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत छोटा अभी बेबी, इसके बॉडी वैसे ही बहुत पूरी की पूरी बॉडी उसी हिसाब से गर्म होती है, तो आप उसको सर से स्टार्ट करो या पैर से स्टार्ट करो, डजंट मैटर, दिस इज व्हाट डॉक्टर टोल्ड अस, ठीक है ना। तो बट एनीवेज हम क्या करते हैं, हम ऐसा नहीं है कि सर पे पानी डाल रहे हैं, पानी नहीं डालते, फॉर एग्जांपल ऐसे थोड़ा सा पानी हाथ गीला किया और ऐसे 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 करे, गीले हाथ से पानी तो डालते ही नहीं हम, पानी हम सिर्फ बॉडी पे डालते हैं और उसके बाद ड्राई करते हैं। हाँ, और उसके बाद ड्राई करते हैं, तो इस वक्त मेन ये है कि सबसे पहले सर को ड्राई करना है, बॉडी सेकेंडरी है, बॉडी को आप बाद में ट्राई करो, ये चीज़ उन्होंने मेन बोला। तो बाकी पैरों से शुरू कर लेंगे, कोई ऐसा फंडा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला चाहे पैरों से करो चाहे सर मतलब से करो। मतलब अगर आप हेड पर पहले वॉश कर रहे हो तो हेड वॉश करने के बाद इमीडिएटली उसको ड्राई उसको सुखा दो। हाँ, हेड को, हाँ, हेड को गीला मत रहने दो। हाँ, ये मेन है, मतलब जब भी आप हेड वॉश करो आप हेड को सबसे पहले सुखा दो, आप पहले हेड वॉश कर रहे हो बाद में कर रहे हो डजंट मैटर, पर सर गीला होने के बाद साथ के साथ सूख जाना चाहिए वो हम। अगर आप पैरों से भी शुरू कर रहे हो और हेड तक जा रहे हो तो सबसे पहले हेड सुखाओ। हाँ, सबसे पहले हेड सुखाओ। हाँ, मतलब हेड पे पानी डाला, गीला किया और साथ के साथ उसको सुखा दिया, दिस इज द बेसिक पॉइंट जो डॉक्टर ने बोला, बाकी शुरू कहीं से भी करो, बट हम लोग पैरों से ही करेंगे। हमें शुरू में उन्होंने, हमने उनसे पूछा था कि नर्सेज ने तो हमें बोला था कि सर से स्टार्ट करना है जब हमें सिखाया गया था बात, और उन्होंने बोला भी बहुत सारी बेबीज की बॉडी के हिसाब से, बॉडी के हिसाब से नहलाया जाता है, नहलाया जाता है कि नर्सेज बेबी को हाथ लगा के टच करके बता देती हैं कि इनको कहां से बात देना शुरू करना चाहिए। हाँ, हाँ। तो उन्होंने अगर आपको सर बोला है तो फिर इसका सर ही होगा, पर आप जैसे मर्जी कर लो, कहते कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं है, बस सर को सुखा साथ के साथ दो, आपने पानी डाला चाहे बाद में डाला चाहे पहले डाला साथ के साथ उसको ड्राई कर दो, इतना सा फंडा जो मेन जो डॉक्टर ने बोला कि इस चीज का ध्यान आपने। वो अभी हमें दो दिन बाद फिर से बुलाया, फाइनल तो नहीं, मतलब जनरल चेकअप है। हाँ, तीन दिन बाद बोला दोबारा से आने को, तो अभी दोबारा जाके एक बार जॉन्डिस चेक करेंगे कि क्या प्रोग्रेशन रहा है उसका, जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली डिक्लाइन ही होगा एज पर डॉक्टर्स, बट वहाँ जाके समझ आएगा कि कैसा रहेगा। तो जो भी अपडेट होगी आपको मिलती रहेगी।